जबलपुर पुलिस ने विजयनगर थाना क्षेत्र में सीमेंट लोहा व्यापारी के साथ हुई 2.5 लाख की सनसनीखेज लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए बताया कि घटना में शराबियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 51,000 नगद, 5 मोबाइल और एक्सिस वाहन जब्त किया। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने इंटरप्राइजेस सीमेंट के संचालक अपने घर जा रहे थे, इस दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पिछले माह के अंत में विजयनगर जैसे पॉश एरिया में एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें एक व्यापारी जब घर लौट रहा था तो कुछ अज्ञात आरोपियों ने उसके स्कूटर में बैग में रखे पैसे को छीन लिया था। करीब 2.5 लाख रुपए की ये पैसे की छीनने की वारदात हुई थी और पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा इसको अत्यंत गंभीरता से लिया गया, क्योंकि व्यापारी वर्ग अमूमन इस तरह से शाम के समय अपने दुकान जब बंद करते हैं तो लौटते हैं और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना आवश्यक है। इसके लिए क्राइम की कई टीम्स इसमें लगाई गई और थाना माड़ोताल के TI, CSP इन सब के भी मार्गदर्शन में लगातार ये सब लोगों ने काम किया और जल्दी ही सफलता मिली, जिसमें कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, स्कूटर और अभी तक करीब 51,000 रुपये की रिकवरी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। देखिए, इसमें जो व्यापारी है चौबे, उनकी लोहे की दुकान है, लोहा सीमेंट वगैरह बेचने की, उनके घर के पास में ही एक रुपेश जैन करके जो एक मुख्य यो घटना करवाने वाला है वो रहता है। तो उसके द्वारा जब ये देखा गया कि ये नियमित तौर पे व्यापारी पैसे लेकर जाता है तो उसने इसकी योजना बनाई। रुपेश जैन मटर का भी धंधा करता है पर उसको पिछले सीज़न में काफ़ी नुकसान हो गया था मटर बेचने में, तो ये नुकसान की भरपाई चाहता था। तो उस मटर की पल्लेदारी में जो लड़के काम करते थे, जिनके नाम आकाश, अनुराग, राजा, नवीन इस तरह के हैं, ये कम उम्र के लड़के हैं, पल्लेदारी का काम करते हैं, पुताई का काम करते हैं। इसको उसने जो है दिशा दिखाई, उस व्यापारी का घर दिखाया, रास्ता बताया, गाड़ियाँ उपलब्ध कराई और उनसे ये वारदात करवाई। जैसा मैंने बताया, ये लड़के मजदूर तरह के हैं, कोई विशेष इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, पैसे के लालच में ये भी घटना में शामिल हो गए हैं।